हमने सोचा था शायद अब कोई तूफान होगा, जल शक्ति के नाम से तो अब शक्ति ही शक्ति होगी, हमें क्या पता था ना शक्ति मिलेगी ना जल मिलेगा। अब तो बिना इस्तेमाल किए भी मीटर से पैसा जो है वो निकल जाता है और हम हाथ पे हाथ बैठे हुए देखते रह जाते हैं। राशन की हालत, चीनी कहीं नहीं, चावल का कोटा कम, आटा कम, बाकी चीजें कहीं नहीं। हमारी माओं को बहनों को कहा जाता है राशन डिपो में आओ और अंगूठे का निशान लगाओ, अपना वेरिफिकेशन कराओ वहां पे। बिचारी जाती हैं रोज अपना वहां अंगूठा लगवाने के लिए, बाद में मिलता कुछ नहीं। जल और नल, पहले तो महकमे का नाम बदल दिया पीएचई से जल शक्ति। हमने सोचा था शायद अब कोई तूफान होगा, जल शक्ति के नाम से तो अब शक्ति ही शक्ति होगी, हमें क्या पता था ना शक्ति मिलेगी ना जल मिलेगा। स्कीम के नाम पे पैसा जरूर कमाया, 12,000 करोड़ का इल्जाम लगा है इस जल शक्ति में धांधली का। इल्जाम लगाने वाला मैं नहीं, इल्जाम लगाने वाला कोई सियासतदान नहीं, इल्जाम लगाने वाले इसी हुकूमत का अफसर जिसने सीबीआई को सबूत के साथ चिट्ठी लिखी और कहा कि ये जल शक्ति, ये हर घर घर जल नल इसमें धांधली हुई है, लिख के कहा कि ना लोगों को जल मिला तो ना नल मिला, लेकिन 12,000 करोड़ गायब हो गए। और फिर ये हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, अगर हम में से किसी के खिलाफ इस तरह का इल्जाम लगा होता हम जेल से आज आपसे बात कर रहे होते हैं। ये इनकी असलियत है।